for today's live session. Another video. आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ. यूजुअली आई डू हॉल वीडियोज और मेकअप वीडियोज, बट आज मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट शेयर करते हैं, क्योंकि रोज वीडियोज शूट रहता है, तो इसकी वजह से ना मेरी जो आलमीरा है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज रहता है, एंड आई हेट बींग अनऑर्गेनाइज. तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, मेरी जो साड़ी की जो अलमारी है वो मैं क्लीन करने वाली हूँ. तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. तो क्या क्या कलेक्शन है मेरे पास, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आई हैव टू अलमीराज लाइक दिस. इसमें मेरी जो वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं वो सब रहता है, एंड यहाँ पे ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ये तो बेसिकली एक पिलर है ये, एंड इसको हमने कवर किया हुआ है. और ये वाला पोर्शन मेरा पहले भी था बिफोर रेनोवेशन. अंदर जो है वो सेम है, जस्ट मैंने बाहर का जो ये है उसको चेंज करवा लिया है, एंड इट लुक्स लाइक दिस, जो कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज लग रहा है. तो चलो इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड आप लोगों के साथ एक सिंपल सा ब्लॉग शेयर करते हैं. आई होप यू विल लव द वीडियो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आई हैव लाइक 5 to 6 जामदानीज है ना, 5 to 6 अच्छा. इट है ऑरेंज, येलो, देन आई ऑल्सो हैव इट्स अ नेवी ब्लू कलर. इट नेवी ब्लू ना कि रॉयल ब्लू. ये बाबा है तो कैमन लगते देखते. हाँ कटा शाड़ी पड़े मात्र দুটো. अरे मोटा ना শাড়িগুলো তুমি ধরছ না. So these are my other two jamdanis, one in navy blue which I already showed, and this one is in black color. So these are some of my white sarees. ये है एक बिकमपुरी साड़ी, and ये है एक plain handloom cotton साड़ी. So यहाँ पे है और दो handloom साड़ी. Actually I love wearing handloom sarees, and these are two फुशिया कलर का साड़ी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये दो साड़ी. हियर इज माई करंट फेवरेट साड़ी, ये मैंने अमेजोन से रिसेंटली लिया है. एकदम सीक्वेंस का काम है, जॉर्जेट, शिफॉन जॉर्जेट का साड़ी, जो पार्टीज के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है. उसको मैं बिल्कुल सामने में रखूंगा. अब चलो एक काम करते हैं. रिसेंटली आई गॉट माई हैंड्स ऑन मामाअर्थ न्यूली लॉन्च्ड फेदर लाइट लिक्विड लिपस्टिक्स. अभी बज रहा है करीबन 12, तो अभी मैं ट्राई आउट करने वाली हूँ लिपस्टिक को. अभी मैं पहनूंगी और देखूंगी कि क्या ये सच में 16 आवर्स तक लॉन्ग स्टे करता है या फिर नहीं. लाइक खाना खाऊंगी, नहाऊंगी और भी जो जो यू नो डेली एक्टिविटीज है सब कुछ करूंगी. तो चलो एक लिपस्टिक मैं पहनती हूँ. अब घर का कपड़ा है तो आई थिंक इसके साथ न्यूड ही ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो द प्रोडक्ट कम्स इन 8 डिफरेंट शेड्स, में 5 न्यूड्स है, 2 आई थिंक पिंक शेड्स हैं, एंड 1 आई थिंक रेड शेड आपको मिल जाते हैं. मैं यहाँ पे स्वॉचेस शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ, आप एक बार देख लीजिए. अब ये जो लिपस्टिक है ना ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं लिप्स पे. इसका नेम है फेदर लाइट लिक्विड लिपस्टिक, दैट मीन इट डजंट फील एनीथिंग ऑन योर लिप्स. बहुत ही लाइट वेट है एंड आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हो. तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ द शेड 01 न्यूड परफेक्ट. चलो इसको हम पहनते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये लॉन्ग स्टे करेगा मेरी लिप्स पे या फिर नहीं. क्वेश्चन ये आता है कि आपने कौन सा लिपस्टिक यूज किया है. सबसे ज्यादा जो मैं न्यूड शेड्स लगाती हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो आई ऑलवेज यूज मामाअर्थ का लिपस्टिक, क्योंकि मेरे पास मामाअर्थ का ही लिपस्टिक है, सभी रेंज का है. तो करेंटली माई न्यू फेवरेट इज देयर 01 न्यूड परफेक्ट फ्रॉम देयर फेदर लाइट लिक्विड लिपस्टिक रेंज, एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स ऑन मी. काफी अच्छा शेड है,
न्यूड शेड अगर आपको चाहिए फॉर डेली यूज पर्पस तो आप इसको यूज कर सकते हो. अब आपको बता दूं थोड़ा सा कि मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं ऑल आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल आर नेचुरल. मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और इंडियन ब्रांड भी है तो हमें उनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए. लिपस्टिक की बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. mamaearth.in के अलावा आपको बहुत सारे वेबसाइट पे मिल जाते हैं मामाअर्थ की प्रोडक्ट्स. मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अभी मामाअर्थ ने उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट किया है तो आप मामाअर्थ ऐप से भी परचेज कर सकते हो एज वेल एज आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो. आपके घर से नियरेस्ट जो स्टोर है वहां पे ही आपको मामाअर्थ की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. आप जाइए शेड देखिए उसके बाद परचेज कीजिए. लिपस्टिक मैंने लगा लिया है अब इसको यूज करके ही हम करने वाले हैं सभी डेली एक्टिविटीज. तो देखते हैं कि क्या ये लॉन्ग स्टे करता है या फिर नहीं. आप लोगों को पता है मेरी एक ज्वेलरी बिजनेस है तो उसकी वजह से मैं पैकिंग कर रही हूँ अभी. आज कुछ हैंडमेड एंड कुछ ब्लैक पॉलिश का मुझे डिलीवरी करवाना है तो इसकी वजह से मैं भी पैकिंग कर रही हूँ सब कुछ. और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ से मैं लेती हूँ बॉक्सेस. तो ये वाले बॉक्सेस आपको अमेज़ॉन से मिल जाएंगे. साइज़ आप देख के चूज़ कर सकते हो और उसके बाद मैं जिप लॉक पे डाल के देन उसको पैकिंग करती हूँ. आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अच्छे से पैक करूँ ताकि मेरी प्रोडक्ट डैमेज ना हो क्योंकि डैमेज का फ़ी जो है वो मुझे ही देना पड़ता है. तो अभी मैं मेरे पैर के लिए एक एंकलेट बना रही हूँ और बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं क्रिस्टल्स को घुसाऊँ उसके अंदर बट इतना छोटा था उसका होल कि घुस नहीं रहा था. तो एट लास्ट मैंने एक एंकलेट बनाया है. आप लोग देखिए एंड लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा लगा. अभी बज रहा है करीबन 2:30 PM और अभी मुझे जाना है खाना खाने के लिए और मैं नहाऊंगी भी. और उससे पहले आपने देखा कि मैंने पैकिंग किया देन एक एंकलेट बनाया तो चलो नहा के आते हैं एंड देन आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या ये लिपस्टिक मेरी लिप्स पे रहता है या फिर नहीं. Having too much acne on my face, तो इसके वजह से मैं डॉक्टर की प्रिस्क्राइब किया हुआ प्रोडक्ट ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन लास्ट 3 months से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है. आई डोंट नो वाई क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी मैं वही यूज़ कर रही थी एंड उसके ऊपर से मैं गई थी एक वेडिंग के लिए तो उसके बाद से ही मेरी स्किन पे इतना ज़्यादा रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया. तबीयत भी एकदम ठीक नहीं जा रहा है एंड स्किन पे ये सब हो गया तो इसकी वजह से मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया है तो उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं एंड उसके साथ कुछ मेडिसिन भी दिए हैं. तो आई एम ट्राइंग दीज आउट राइट नाउ तो लेट्स सी क्या होता है क्योंकि अभी सिर्फ एक वीक हुआ है कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट्स को. तो चलो लिपस्टिक तो आपने देख ही लिया एकदम इंटैक्ट है. अभी तक मैंने एक बार भी इसको अप्लाई नहीं किया है आई मीन री अप्लाई नहीं किया है. तो अब चलो खाना खा के आते हैं एंड देन मैं देखती हूँ कि क्या लिपस्टिक रहेगा बंगाली फूड खाने के बाद या नहीं. तो चलो खाना खा के आते हैं उसके बाद आपके साथ फिर से बात करते हैं. I just had my lunch and as you can see lipstick अभी तक intact है. सिर्फ अंदर से थोड़ा बहुत उठ गया है क्योंकि I had some oily food, Bengali food जैसा होता है but otherwise जैसे कि आप देख पा रहे हो lipstick एकदम intact है. अभी मेरे को live करना है तो live के लिए चलो products लेके आती हूँ और कैसे मैं live session करती हूँ वो भी आपके साथ share करती हूँ. आज की लाइफ के लिए मैं पहनने वाली हूँ एक ब्लैक कलर की कॉटन साड़ी उसके साथ ये वाले रेड कलर की ब्लाउज विथ लेस बॉर्डर डिटेलिंग. तो चलो पहन लेते हैं साड़ी उसके बाद आपके साथ फुल लुक शेयर करती हूँ. तो मैं हो गई हूँ रेडी एंड दिस इज माय फाइनल लुक फॉर टुडेज लाइव सेशन. ये वाला साड़ी मैंने मीशो से लिया था और उसका लिंक मेरे पास अभी नहीं है. ब्लाउज मैंने टेलर से बनवाया है तो इसका भी लिंक नहीं है मेरे पास.
तो अभी मेरा सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है, मैं बैठती हूँ लाइव करने के लिए, उसके बाद आपके साथ फिर से बात करते हैं। अभी करीबन 1 to 2 hours तो हो ही गया है, मैं लाइव कर रही थी एंड लिपस्टिक जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक दो घंटे बात करने के बाद भी लिपस्टिक एकदम इंटैक्ट है एंड आई एम इन लव विद द लिपस्टिक राइट नाउ। आप भी इसको चेकआउट कर सकते हो। और आज की वाला व्लॉग मैं यहीं पे ही ख़त्म करने वाली हूँ, ज़्यादा देर तक मैं इसको खींचने नहीं वाली हूँ। आई होप यू हैव लव्ड वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट इट डाउन कि आप इसके बाद कैसा वीडियो देखना चाहते हो, और अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, पसंद करते हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।